किसान भाइयों नमस्कार। मैं बिन सिंह, आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं 135 से 140 दिन की अवधि में पककर तैयार होने वाली महीन धान की 5 संशोधित किस्मों के बारे में, जो बढ़िया पैदावारी तो देती ही हैं, साथ ही साथ इनका चावल भी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए किसान भाइयों, क्रमवाइज पाँचों किस्मों के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं, कावेरी कंपनी का एक धान है, संपूड़ा KP 108, जो दशकों से किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। हमें लगता है कि 135 से 140 दिन की अवधि में पककर तैयार होने वाली किस्मों में सबसे अधिक बिकने वाला धान है। यह लंबे अवधि का धान होने के बावजूद भी साभा से 10 दिन पहले ही पककर कटाई के लिए तैयार हो जाता है। यह साभा की तरह महीन होने के कारण बाजार में साभा के ही रेट में बिकता है। इसके पौधे से अधिक कल्लों का फुटाव होता है। पौधे की ऊंचाई लगभग 110 सेंटीमीटर तक होती है। पौधा मध्यम ऊंचाई और तने का मजबूत होने के कारण गिरता नहीं है। इसकी बाली लंबी और गुच्छेदार होती है, जिससे बाली में दानों की संख्या भी अधिक होती है। पैदावार की बात करें तो यह प्रति एकड़ 25 से 28 कुंतल तक पैदावार दे देता है। इसके रेट की बात करें तो यह 110 से 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज की दुकान पर मिल जाता है। एक एकड़ खेत की रोपाई के लिए 10 किलोग्राम बीज नर्सरी तैयार करने के लिए काफ़ी होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं, कृषिधन कंपनी का एक महीन धान है, जिसका नाम है प्रसन्ना, जो अधिक पैदावार और स्वादिष्ट चावल की वजह से संपूड़ा को काफ़ी टक्कर दे रहा है। ये अभी संपूड़ा की ही तरह साभा से 10 दिन पहले ही पककर कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके पौधे से भी अधिक कल्लों का फुटाव होता है। पौधे की लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर तक होती है, जो किसी भी धान के लिए बहुत अच्छी हाइट है। ये अभी तने का मजबूत होता है और विपरीत मौसम होने पर गिरता नहीं है। इसकी बाली काफ़ी लंबी और गुच्छेदार होती है, जिससे उसमें दाने अधिक बैठते हैं। पैदावारी की बात करें तो यह अभी प्रति एकड़ 25 से 28 कुंतल तक पैदावार दे देता है। ये अभी बाजार में साभा के ही रेट में बिकता है। इसके रेट की बात करें तो यह 110 से 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज की दुकान पर मिल जाता है। एक एकड़ खेत की रोपाई के लिए 10 किलो बीज नर्सरी तैयार करने के लिए काफ़ी होता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, श्रीराम कंपनी का एक महीन धान है, श्रीराम सुपर 505, जो 135 से 140 दिन की अवधि का धान है। इसका भी चावल खाने में स्वादिष्ट होता है और यह भी साभा से 10 दिन पहले ही कटाई के लिए पककर तैयार हो जाता है। इसके पौधे की ऊंचाई लगभग 105 सेंटीमीटर तक होती है। पौधा तने का मजबूत होने के कारण विपरीत मौसम में भी गिरता नहीं है। इसके पौधे से अधिक स्वस्थ कल्लों का फुटाव होता है। इसकी भी बाली लंबी एवं गुच्छेदार होती है, जिससे उसमें दाने अधिक बैठते हैं। ये अभी प्रति एकड़ 23 से 27 कुंतल तक पैदावार दे देता है। साभा की तरह दाना होने के कारण बाजार में साभा के ही रेट में बिकता है। इसके बीज की रेट की बात करें तो यह 100 से 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज की दुकान पर मिल जाता है। एक एकड़ खेत की रोपाई के लिए 10 किलोग्राम बीज नर्सरी तैयार करने के लिए काफ़ी होता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं, नाथ कंपनी का एक धान है, पूर्वा कामनी, जो 135 से 140 दिन की अवधि में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाता है। यह अधिक पैदावार देने और बहुत स्वादिष्ट चावल होने की वजह से किसान इस किस्म को लगाने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं। इसके पौधे की ऊंचाई भी 105 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पौधे से भी अधिक कल्लों का फुटाव होता है। बाली लंबी एवं गुच्छेदार होती है, जिससे दाने अधिक बैठते हैं। यह भी प्रति एकड़ 24 से 27 कुंतल तक पैदावार दे देता है। यह किस्म भी साभा से 10 दिन पहले ही कटाई के लिए पककर तैयार हो जाती है। स्वादिष्ट चावल और पैदावार के लिए एक बेहतर किस्म है। इसके बीज के रेट की बात करें तो यह 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज की दुकान पर मिल जाता है। एक एकड़ खेत की रोपाई के लिए 9 से 10 किलो बीज नर्सरी तैयार करने के लिए काफ़ी होता है। पाँचवें नंबर पर बात करते हैं, एग्रिसिस कंपनी का एक धान है, नीलिमा, जो 135 से 140 दिन की अवधि में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके पौधे से भी अधिक कल्लों का फुटाव होता है। इसके पौधे की ऊंचाई भी लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर तक होती है। यह अभी विपरीत मौसम होने पर गिरता नहीं है। इसकी भी बाली लंबी एवं गुच्छेदार होती है, जिससे यह भी प्रति एकड़ लगभग 24 से 27 कुंतल तक पैदावार दे देता है। इसका भी चावल खाने में स्वादिष्ट होता है
और बाजार में सांभा के ही रेट में बिकता है। ये अभी सांभा से 10 दिन पहले ही पककर कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसके बीज के रेट की बात करें तो 100 से 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बीज की दुकान पर मिल जाता है। 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए बीज दर 9 से 10 किलो नर्सरी तैयार करने के लिए काफ़ी होता है। किसान भाइयों, स्वादिष्ट चावल और अधिक पैदावार के लिए 135 से 140 दिन में पककर तैयार होने वाली ये पांचों किस्में आपके लिए बहुत बेहतर साबित होंगी। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।